नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक बहुत ही झन्नाटेदार सवाल, जबरदस्त, जिसको बोलते हैं कि एकदम हिला के रख दिया, वो सवाल है। ये क्वेश्चन है, इफ ए ब्रैकेट में 1/b + 1/c कॉमा बी ब्रैकेट में 1/c + 1/a कॉमा सी 1/a + 1/b ब्रैकेट में है, ये आर इन एपी, ये एपी में दिया हुआ है, तो साबित करना है ए बी सी आर इन एपी। कैसा लगा? सही है ना? चलिए था इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। जो एपी में दिया हुआ है, तो एक बात आपको बता देते हैं कि अगर कोई एबीसी पीक्यूआर एपी में दिया हुआ है, तो जो सीरीज दिया हुआ है एपी में, उसके मेंबर्स को हम सबको किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी से डिवाइड कर सकते हैं, तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सही है? ठीक। तो ए 1/b + 1/c बी 1/c + 1/a सी 1/a + 1/b आर इन एपी। ये एपी में दिया हुआ है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एबीसी से, तो ये बन जाता है, अगर हम इसको इस तरह से लिख लें, ए बी सी बी प्लस सी, फिर बी ए सी ए प्लस सी, फिर सी ए बी ए प्लस बी आर इन ए पी। ये भी एपी में है। अब यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एबीसी से, अगर एबीसी से तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो नीचे से इसका बीसी कट जाएगा, इसका एसी कट जाएगा और इसका एबी कट जाएगा, तो बचता क्या है? जैसे देखें, एक सॉल्व कर देते हैं, ये वाला टर्म देखिए, ए बी प्लस सी बाय बी सी, इसको एबीसी से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई ए बी सी, बीसी बीसी कट जाता है, तो ए स्क्वायर बच जाता है, और फिर इसमें बी स्क्वायर बच जाएगा और इसमें सी स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है ना? ठीक। तो फिर हो जाता है ए स्क्वायर बी प्लस सी बी स्क्वायर सी प्लस ए या ए प्लस सी और सी स्क्वायर ए प्लस बी आर इन एपी। अब अगर तीन टर्म्स एपी में है, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, तो इतना माइनस इतना इज इक्वल टू इतना माइनस इतना हम कर सकते हैं, तो हम लिखते हैं देयरफॉर बी स्क्वायर ए प्लस सी माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर बी प्लस सी, ये कॉमन डिफरेंस हुआ, इक्वल टू इसमें इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी कॉमन डिफरेंस होगा, तो दोनों कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा क्योंकि एपी में है, तो हम इसको लिखते हैं सी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर
ए प्लस, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि ये एपी में है इसलिए कॉमन डिफरेंसेस इसका इक्वल होगा। चलिए अब हम इसको लिखते हैं, और बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर सी, ब्रैकेट हटा दिए, फिर इधर वाला इक्वल टू सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस सी है, ये ए प्लस सी, तो बी स्क्वायर सी, ठीक है। अब देखें इसमें किसमें क्या कॉमन आ रहा है, ए बी, ए बी हम कॉमन ले सकते हैं, और ए बी अगर कॉमन ले लिया जाए तो बी माइनस ए, ठीक है, बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर सी में सी कॉमन आ रहा है, प्लस सी कॉमन ले लिया जाए तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेफ्ट साइड वाला हो गया। राइट साइड में आ जाए सी स्क्वायर ए, अब यहां पर देखें किस किसके साथ ग्रुपिंग करना है ये देखना है, सी स्क्वायर ए और बी स्क्वायर ए, अगर इसमें से हम ए कॉमन ले लें, ए ले लेते हैं सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बच गया क्या सी स्क्वायर बी बी स्क्वायर सी, तो बीसी ले सकते हैं कॉमन, बीसी प्लस बीसी, बी सी कॉमन लिए तो एक सी बच गया, सी माइनस बी सी कॉमन लिए तो एक बी बच गया, ठीक है, ठीक। फिर इसको लिख सकते हैं ए बी बी माइनस ए प्लस सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस कर दीजिए एक बार माइनस कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बी प्लस सी बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए, ठीक, इज इक्वल टू ए सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सी प्लस ए सी माइनस बी लिख दिए, प्लस बी सी सी माइनस बी। अब हम लोग देखते हैं इसमें कॉमन क्या आ रहा है, बी माइनस ए कॉमन है, तो बी माइनस ए कॉमन ले लेते हैं, बच गया बी माइनस ए कॉमन लेने के बाद ए बी, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं ए बी यहां पर प्लस बी माइनस ए, जब कॉमन ले लिए तो बच गया था इतना सा ये वाला बचा, एक बार में ही लिख लेते हैं बी सी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। यहां पर सी माइनस बी कॉमन आ रहा है तो सी माइनस बी कॉमन लिख लेते हैं, बच गया ए इंटू सी ए सी प्लस ए इंटू बी ए बी, और प्लस सी माइनस बी कॉमन लेने के बाद यहां पर बी सी बचा था। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में देखें आप क्या बचता है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, दोनों साइड मल्टीप्लाई के रूप में है, ठीक, इसको और इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है।
बच गया हमारे पास बी माइनस ए, देयरफॉर बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी माइनस ए, सी माइनस बी अगर इक्वल हो गया तो ए बी सी आर इन एपी, देयरफॉर ए बी सी आर इन एपी, यही तो प्रूव करना था। कैसा लगा, ठीक है ना? ठीक ठीक। तो ये क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से केसी सिन्हा की बुक से लिया गया है। बढ़िया सवाल है, मजेदार सवाल है। आज मैंने इसको देखा तो सोचा आप लोगों को बता दूं, थोड़ा सा इसका एक्सरसाइज भी हो जाएगा ना, हुआ था क्या। और आगे भी इसका एक्सरसाइज मैं कराता रहूंगा, ठीक है? तो आज इतना सा ही है, ठीक? नॉट फॉर दिस, ओके, थैंक यू।